दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कम ब्याज देने वाली एफडी अब पुरानी बात हो गई है। नए साल में सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले एफडी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। उम्मीद है आप देखेंगे क्योंकि बात आपकी कमाई की है। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के कई बैंकों ने नए साल के शुरू होने से पहले दिसंबर में ही फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस लिस्ट में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर की एमपीसी बैठक में लगातार पांचवी बार प्रमुख रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। इसे 6.5% पर जस का तस रखा। बावजूद इसके कई बैंक एफडी पर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। तो यहां उन 7 बैंकों की सूची दी गई है जिन्होंने दिसंबर 2023 में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई की एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर लागू है और 27 दिसंबर से नई दरें लागू है। एसबीआई ने 1 साल से लेकर 2 साल से कम, 2 साल से लेकर 3 साल से कम और 5 साल से लेकर 10 साल को छोड़कर बाकी सभी अवधियों पर मिलने वाली ब्याज दरें बढ़ा दी है। 7 दिनों से लेकर 45 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर ब्याज दरों में 0.50% का इजाफा किया गया है। अब इन जमाओं पर आपको 3.5% की ब्याज दर मिलेगी। हम कर रहे हैं बात एसबीआई की एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों की। वहीं 46 दिनों से लेकर के 179 दिनों वाली एफडी पर मिलने वाली ब्याज दर में बैंक की तरफ से 0.25% का इजाफा हुआ है और इस अवधि वाली एफडी पर 4.75% का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 180 दिनों से 210 दिनों की अवधि वाले सावधि जमा पर एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.50% की वृद्धि की है। अब से इन एफडी पर 5.75% की दर से ब्याज मिलेगी। तो ये तो बात रही एसबीआई की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अलग अलग अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरों में 0.10% से लेकर 1.25% तक की बढ़ोतरी की है। ये दरें 29 दिसंबर से 2 करोड़ रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट पर लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य ग्राहकों को 4.25% से लेकर 7.25% तक ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7 दिनों से 10 साल में मैच्योर होने वाली जमा राशि पर 4.75% से 7.75% तक ब्याज दे रहा है। तो नए साल में एफडी पर ब्याज कमाने का अच्छा मौका है। कई सारे बैंक ब्याज बढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए तक की निश्चित अवधि वाली अपनी एफडी पर ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी की है। ये दरें 27 दिसंबर से लागू भी हो गई हैं। 7 दिनों से लेकर 10 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर ब्याज दर 3% से लेकर 7.25% तक हो गई है। अब बात कर लेते हैं डीसीबी की। डीसीबी एक प्राइवेट बैंक है। डीसीबी बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की जमा राशि के लिए चुनिंदा अवधि वाली एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी 13 दिसंबर से ही लागू होगी। ब्याज दरों में बदलाव के बाद बैंक सामान्य ग्राहकों के लिए 8% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.6% की सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट की पेशकश कर रहा है। बैंक सामान्य ग्राहकों को 7 दिनों से 10 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर 4% से 8% और सीनियर सिटीजन के लिए 4% से 8.60% तक की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। यह हम बात कर रहे हैं डीसीबी बैंक की। पांचवा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी प्राइवेट बैंक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने दिसंबर में एफडी की दरें बढ़ाई है। इस बढ़ोतरी के बाद कोटक बैंक 7 दिनों से 10 साल में मैच्योर होने वाली जमा राशि पर सामान्य ग्राहकों के लिए 2.75% से 7.25% जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.35% से 7.80% तक ब्याज दे रहा है। अब बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक ने 5 दिसंबर 2023 से प्रभावी अपनी जमा दरों को संशोधित किया है। 500 दिन वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर 7.50% तक बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए फेडरल बैंक 500 दिन की अवधि के लिए अधिकतम 8.15% और 21 महीने से अधिक से 3 साल से कम की अवधि के लिए 7.80% का रिटर्न दे रहा है। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। ये भी प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के टेन्योर पर एफडी में निवेश करने का मौका ग्राहकों को दे रहा है।
बैंक ने 26 दिसंबर 2023 से अपनी सावधि जमा यानी एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। संशोधित दरें 2 करोड़ रुपए तक निवेश रकम वाली एफडी के लिए लागू है। बैंक सामान्य नागरिकों को एफडी पर अधिकतम 7.10% ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.75% है। एक्सिस बैंक सामान्य नागरिकों को 9 महीने से 1 साल से कम समय में मैच्योर होने वाली एफडी पर 6% ब्याज देने की घोषणा की है। 1 साल से लेकर के 15 महीने से कम टेन्योर वाली एफडी पर 6.70% ब्याज मिलेगा। 15 महीने से लेकर के 5 साल से कम टेन्योर के बीच मैच्योर होने वाली एफडी के लिए 7.1% ब्याज मिलेगा। 5 साल से 10 साल के बीच मैच्योर होने वाली एफडी पर बैंक 7% ब्याज दे रहा है हर साल। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्सिस बैंक की ताजा एफडी ब्याज दरें भी जान लीजिए। एक्सिस बैंक एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य नागरिकों की तुलना में दी जाने वाली ब्याज दर से 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज दे रहा है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। ये सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2023 से अपने ग्राहकों और आम जनता के लिए 2 करोड़ से 10 करोड़ तक की अपनी सावधि जमा दरों में वृद्धि की है। 40 दिन से 90 दिन की सावधि जमा के लिए 5.25%, 91 दिन से 179 दिन की सावधि जमा पर 6%, 180 दिन से 210 दिन की सावधि जमा पर 6.25%, 211 दिन से 1 साल से कम की सावधि जमा पर 6.50% और 1 साल की सावधि जमा पर 7.25% ब्याज दे रहा है बैंक इस बढ़ोतरी के बाद। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। बैंक द्वारा एफडी पर ब्याज बढ़ाने के फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। किस बैंक में एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं और क्यों? इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।